मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई की है। कोटक महिंद्रा ब्रांच के रिलेशनशिप मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। आसिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आसिफ खान पर साइबर ठगों को खाते बेचने के आरोप लगे हैं। 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। साइबर ठगों ने मैदा मिल के अधिकारी का अश्लील वीडियो बनाया था। क्राइम ब्रांच के डीएसपी बनकर ठग लिए गए थे पैसे और अन्य आरोपियों की साइबर टीम अब तलाश कर रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने गिरफ्तार किया है। तो देखिए, साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में भोपाल में जो साइबर क्राइम ब्रांच की टीम है उसे एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी बने हुए, लगातार उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। दीपक, साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार खबरें आती हैं कि कई ऐसे लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, कहीं पर साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी सफलता कह सकते हैं हम इसे साइबर पुलिस की? प्रतिक्रिया ये बता दूं कि पूरा मामला सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट दोनों से जुड़ा हुआ है। बता दें कि मैदा मिल के एक कर्मचारी के साथ करीब 6,36,000 रुपए की यह धोखाधड़ी की गई है और यह धोखाधड़ी में पहले उसे एक महिला द्वारा, जो मेवाती गैंग बताई जा रही है, उसके द्वारा जो है सेक्सटॉर्शन कॉल किया गया है और उसके बाद फिर डीसीपी बनकर या डीएसपी बनकर, क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर करीब 6,36,000 रुपए ऐंठ लिए। पर इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई भोपाल में देखने के लिए मिली है। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर आसिफ खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर यह आरोप कि जो मेवाती गैंग है, जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है, जो साइबर फ्रॉड करती है, उसे इन्होंने खाते बेचे, करीब 8 खाते इन्होंने बेचे हैं, जिसमें से 4 खातों की अगर ट्रांजैक्शन लिस्ट पुलिस ने देखी तो उसमें करीब 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो अलग अलग हिस्सों में हुआ। इस मामले में भी अभी 7 खातों से अलग अलग हिस्सों में पैसे गए हुए हैं और वो पंजाब में और भोपाल के वो खातों से पैसे जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में खाता खुलवाने वाले कोटक महिंद्रा के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। और जो इस पूरे मेवाती गैंग के अन्य सदस्य, उनकी गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। अब यह देखना होगा कि इस डिजिटल अरेस्ट और सेक्सटॉर्शन के मामले में पुलिस कितने और लोगों को गिरफ्तार कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ इस पूरे मामले में, लेकिन अब पुलिस लगातार तलाश कर रही है उन आरोपियों को जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं और देखना है कि कितने अन्य आरोपी हैं जिन्होंने मिलकर इस बड़े वारदात को अंजाम दिया है।